धन्यवाद 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 हमारे जीवते सच्चे सामर्थ्य प्रभु जी दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ उस रात्रि के समय के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ परमेश्वर पिता। हालेलुया, रबका तुरल बका तिरल बशर बका तिरल बतिरा परमेश्वर का धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद रात्रि के समय के लिए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, महिमा मैं परमेश्वर प्रभु जी सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाल के रखा प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, हमारे पूर्वजों का पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इस रात्रि के समय के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला प्रभु जी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे सनातन का चट्टान प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ परमेश्वर। के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपने वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा पिता परमेश्वर, सच में आपने हमें कभी नहीं छोड़ा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुटकारा दिया है, आपने हमें संभाला है, बचाया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, रात्रि के समय के लिए प्रभु जी आपके सम्मुख में आते हैं और आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, सच परमेश्वर में महामारी से बचाता है। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद करता है, मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा प्रभु सच में, और उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और छीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरी निकट हजार और तेरी दहनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परमेश्वर का वचन आज आपके हमारे जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आपके इस वचन के लिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच है, मेरे जीवन में गवाही भी है इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में, वह मैं धन्यवाद करती हूँ। तो परमेश्वर भी आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आने देगा, आप पर पड़ने नहीं देगा, आपके जीवन में कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया रबगा दिरला बगा दिरला बक्षरला बक्का तिरला बथेरा, कोई पत्ती आपके जीव पर ना आने पाए, न पढ़ने देगा परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह के नाम से, न कोई दुख आपके घरों के निकट आपके पास में आएगा, आपको परमेश्वर बचाएगा, आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दयालु पिता परमेश्वर, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जावे तेरी रक्षा करे। आप कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, आप किसी काम के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं भी जाएंगे वो हमारी रक्षा करेंगे। परमेश्वर ने दूत को हमारे पीछे भेज दिया, वो हमारे साथ रहते हैं प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पावों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने हमसे स्नेह किया है, तो पर जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर का आज हम संकट में पुकारते हैं पिता परमेश्वर, आज हमें संकट से निकाल दो पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों जो संकट में फंसे हुए हैं, उनकी परिस्थिति जो परमेश्वर पिता बहुत बुरी है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप जल्द ही उस परिस्थिति से निकलने वाले हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है, आपके घरों में विपत्ति कभी नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको सारी विपत्ति से उबार रहा है, निकाल रहा है, परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर हमको कभी ना तजेगा यीशु मसीह के नाम से, और वो हम अपने निज भाग को कभी ना छोड़ेगा। उसके निज भाग कौन है? उसके निज भाग हम सभी लोग हैं, हम हैं, हम आत्मिक रीति से जो इसराइली हैं हम सब है। तो परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा। यदि आज आप सोचते कि मैं अकेली हूं अपने जीवन में, तो आज परमेश्वर को अपना लीजिए, पूर्ण रीति से ग्रहण कर लीजिए। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा है, बस हमारी गलती कि हम प्रभु को
पुकारते नहीं है। तो आज प्रभु को पुकार के तो देखिए परमेश्वर कितना भला है। जब हम परमेश्वर को अपना एक हाथ देते तो परमेश्वर हमें गले लगाता है, हमें परमेश्वर प्यार करता है, प्रेम करता है। और परमेश्वर ने अपना प्रेम को उस क्रूस पर प्रूफ कर दिया है, प्रमाण दे दिया है कि देख मेरा बेटा और मेरा बेटी, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैंने अपने आप को क्रूस पर दे दिया सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। और तू कहती है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया। नहीं, ऐसा मत बोलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उसने तो हमारे लिए जान दे दी है ताकि हम पाप में ना रहें और हम उस अनंत जीवन के वारिस हो सके। तो परमेश्वर हमारी कितनी केयर करता है, हमारी चिंता करता है, जिसने अपने नीच पुत्र को भी ना रख छोड़ा और उसने हमारे ले लिए दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज अपने आप को अकेला मत समझें, परमेश्वर हमारे साथ हैं। प्रभु सब कुछ आपके जीवन में उपाय करेगा, जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में उपाय किया। परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया और देखिए वो अपने जीवन काल में कभी भी बुड़बुड़ाया नहीं कि परमेश्वर आपने मुझे संतान की आशीष नहीं दी, परमेश्वर ने आपने मुझे यहाँ पर लाकर रख दिया। कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसका परमेश्वर का, क्योंकि अब्राहम का प्रेम जो परमेश्वर के प्रति अटूट था, उसे कोई नहीं तोड़ सकता था। जब परमेश्वर ने इसकी परीक्षा की कि तेरा पुत्र मुझे दे दे, तो उसके लिए नहीं वो रुका, बल्कि उसने वो भी दे दिया। तो परमेश्वर ने इमीडिएटली उसके लिए उपाय किया। तो तब से यहोवा यीरे करके वचन में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर हमारा यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो आज अपने हर एक चीज को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब करके देखिए परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको खड़ा करेगा और आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। अब परमेश्वर का वचन कितने बार ही लिखा है कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करके देगा। जिसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा, तो क्या हमें संसारिक वस्तुएं ना देगा? क्या वो हमें घर की आशीष नहीं देगा? क्या वो हमें नौकरी की आशीष नहीं देगा? वो जरूर देगा, वो हमें बिजनेस देगा, वो ब्लेस करेगा, वो संतान की आशीष भी देगा। परमेश्वर सब कुछ देगा। विश्वास करिए, परमेश्वर पे विश्वास करिए। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। तो आज परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को अर्पण कर दीजिए। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकाल के देगा, अगुवाई करेगा। बुड़बुड़ाया नहीं परमेश्वर ने मेरे ऐसा किया वैसे किया, बल्कि हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां होती है। तो आज परमेश्वर से माफी मांगिए, उस पापों के लिए माफी मांगिए जो हमने की है, या आप उस याद कीजिए कि हमने कहां पर गलती की थी, क्या की थी। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो रो रो कर परमेश्वर के सम्मुख में आइए। हालेलुया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी आज इन भाई के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना का आत्मा देना पिता परमेश्वर। इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाए। हर एक समस्याओं से इन भाई बहनों को छुड़ा लीजिए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करके देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। के आज पहला प्रेम से भर जाए, उस अगापे लव से, अनकंडीशनल लव कीजिए परमेश्वर से। बिना शर्त के प्रेम में आ जाइए। सच में आपको, आपके जीवन से वो सारी दुष्टता की चीज खत्म हो जाएगी, बुरी आदत खत्म हो जाएगी। इधर उधर की बातें करना आप छोड़ देंगे और आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में बने रहेगा। आपका मन करेगा वचन पढ़ने का, आपका मन करेगा प्रार्थना करने को। आपका मन कभी नहीं करेगा शराब पीने का, आपका मन कभी नहीं करेगा नशे करने का, कोई गलत चीज बोलने का, कोई गलत चीज करने का। सच में परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है, इन सारी बातों से हमें छुड़ाता है, सारी बुरी आदतों से छुड़ाता है। तो आज आपके जीवन में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के सम्मुख वायदा कीजिए कि प्रभु जी मैं ये काम करूंगा आपके लिए परमेश्वर पिता। मैं इतना बाइबल पढ़ूंगा, मैं इतने वचन पढ़ूंगा, मैं आपके रास्ते में चलूंगा। ऐसे करके देखिए तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। ये बढ़ करके तो देखिए, परख कर तो देखो कि परमेश्वर कितना भला है। उसका वचन तो है, उसका वचन है मधु से भी मीठा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा और तारीफ करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है सच में। परमेश्वर जैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, तो इसी प्रकार आज हमारे जीवन में सारे जो मुसीबत है सबको दूर कर देगा। परमेश्वर हमें उस रास्ते पर चलाएगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में मार्ग खोल कर देगा। और जिसे पर आप हमारे जो शत्रु उसको परमेश्वर उसको मार्ग में ही उसको परमेश्वर नाश कर देगा और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो जरूरतें हैं सब कुछ पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके जीवन में परमेश्वर आशीष का द्वार खुल जाए प्रभु जी। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अतिक्रमण में प्रभु जी सेनाओं का प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक समस्या इनके
इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। हर एक क्लेश संकट दुख मुसीबत सब खत्म हो जाए इनके जीवनों में से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु की आत्मा आपके ऊपर उतरने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चंगाई की आत्मा आपके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाइए, सारे दर्द खत्म हो जाए, सारी बीमारी खत्म हो जाए, आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिबुक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं हर एक बीमारी को मैं डांट यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चली जाए, यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चली जाए। तो कुछ भी नहीं है यीशु मसीह के नाम से। हर एक दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए, बीमारी की आत्मा छोड़कर चली जाए, हर एक बुरी आत्मा छोड़कर चली जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में मैं हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, ये बीमारी तू छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके घरों को, इनके परिवार को, इनके शरीर को यीशु मसीह के नाम से। तेरा कुछ अधिकार नहीं है इनके घरों में, इनके जीवनों में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं का पिता परमेश्वर, आज इनके छुटकारे का दिन है, इनके चंगाई का दिन है प्रभु जी। ये बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले, वापस आने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु यीशु मसीह में पीछे हट चुके, जो बैक स्लाइड हो गए, यीशु मसीह के नाम से फिर से आने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की आशीष को ले लीजिए, प्रभु की चंगाई को ग्रहण कर लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की ज्योति आज आपके जीवन में चमकने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आने पाए, सारी जरूरत परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करके दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके जीवन में परमेश्वर नौकरी का रास्ता खुल जाए, बिजनेस का रास्ता खुल जाए, इनको संतान की आशीष देना पिता परमेश्वर। इनके बाहर जाने का, फॉरेन जाने का रास्ता खुल जाए, आपके परमेश्वर पिता पासपोर्ट को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जिस कंट्री का वीजा लगाएंगे परमेश्वर, उस कंट्री का वीजा से परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको, आपका वीजा देगा परमेश्वर, आपको आशीष दे। आपके जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हो, ब्लेस हो परमेश्वर पिता। जो हस्बैंड वाइफ में मेल मिला आपका आत्मा देना पिता परमेश्वर। आपका जो केस चल रहा वो सॉल्व हो जाए और आपके हक में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रात्रि के समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो नशे में जकड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, नशे की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में से डिप्रेशन छोड़कर चली जाए, हेडेक छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। रिसीव रिसीव परमेश्वर की आशीष को रिसीव कीजिए, शांति को रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम से। अभिषेक आपके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद। आपके घर के चारों ओर स्वर्ग दूत का बाड़ा मैं कवर करती हूँ यीशु के लहू, जबकि लहू से कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके परिवार को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हर छोटे बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते रात को परमेश्वर पिता। इनके सभी को धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेगा। इनके जीवन में अगुवाई करना, हर एक्सीडेंट खतरे में से बच्चों से परमेश्वर बचाया है, बीमारियों से बचाया है। धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ी गवाही के साथ इन्हें ब्लेस करना पिता परमेश्वर, महिमा के साथ परमेश्वर। और परमेश्वर यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस कर देगा, ब्लेस करके देगा और आशीष करके देगा। प्रभु को धन्यवाद। इनके अन्न जल पानी में मैं आशीष करती हूँ। रात को अच्छी मीठी नींद देना, स्वप्न दर्शन से बात करना पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, सारी भलाइयों के लिए जो जीवन में किया है प्रभु। आज आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। प्रभु यीशु ने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। हमारे इस रात की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। इस प्रार्थना को जब आप शेयर करेंगे तो आप भी आशीष होकर बदल जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी बोलें। और परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।